आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि आप अपने बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। तो बेली फैट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बेली फैट यूजली जो है वो दो हॉर्मोन्स की वजह से जो है वो बढ़ रहा होता है, और उसमें जैसे सबसे पहले तो इंसुलिन और दूसरा जो सबसे बड़ा हॉर्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहलाता है। जो क्योंकि जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसका काम ये होता है कि वो हमारे लिवर में से जो स्टोर ग्लूकोज होता है, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, जो ग्लूकोज की एक फॉर्म होता है जो कि लिवर में स्टोर होता है बुरे वक्तों के लिए, कि जब हमारे पास ग्लूकोज ना हो तो वो काम आता है, तो वो रिलीज़ करता है और हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। और फिर जब हम मज़ीद ग्लूकोज खाते हैं या कोई शुगर वाली चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्लड में उसकी तादाद मज़ीद बढ़ जाती है, और फिर वो उसका नतीजा ये होता है कि वो जो एक्सेस शुगर होती है वो फैट की सूरत में जो है वो हमारे बैली में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बैली फैट को कम करने के लिए आपने दो तरह की एक्सरसाइजेस करनी है। एक तो आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो पास होता है, तो आपको ऑक्सीजन से आपका फैट बर्न हो रहा होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में आपने जो है वो वॉक करनी है, ऐसी वॉक करनी है ब्रिस्क वॉक के जिसमें आपका हार्ट रेट जो है वो 100 से लेकर 110 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एरोबिक आपकी जो है वो वॉक होगी। और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। उसमें ये होता है कि आपने जो है वो 10 सेकंड की जो है बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करनी होती है, और 1 से 2 मिनट का जो है वो आपने रेस्ट करना होता है। तो ये आपका जो है ना फैट बर्न करता है। यूजली जो है जैसे हम जिम वगैरह अगर जाते हैं तो वो आपके मसल को शेप करता है, लेकिन फैट को पहले बर्न होगा तो फिर आपके मसल जो है वो उसमें शेप आएगी। तो इस वजह से पहले जो है वो फैट बर्न करना ज़रूरी है। तो आप ये दो एक्सरसाइजेस जो है वो ट्राई करें, और उसके अलावा जो है आप अपनी डाइट पे फोकस करें। डाइट में से जो है वो रिफाइंड कार्ब्स आप ख़त्म करें, रिफाइंड शुगर ख़त्म करें, प्रोसेस फूड्स, बेकरी के बने हुए आइटम्स जो हैं वो आपने कट डाउन करने। उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल जो है वो आपने कट डाउन करना है।